Hello dear students, welcome you once again on your YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today video मैं discuss करने जा रहा हूँ आपसे बहुत ही important vocabs, ये specially assonance and antonym. मैंने बताया था आपको कि words, word meaning को learn करने का best formula है हम synonyms और antonym मतलब समानार्थी और विलोम शब्दों को एक साथ याद करें. This is the best way to learn because in this way we learn very fast और चीज़ें हमारे दिमाग में install होती चली जाती है. आज की वीडियो में मैं आपको I am going to give you a very nice vocab with synonyms and antonyms. ठीक है, हम साथ में ही लर्न करेंगे तो एक वर्ड हम याद करेंगे उसके दो या तीन synonyms और वन और टू antonyms याद करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं. इस वीडियो में मैं ए टू एफ रखा है, मैं कोशिश करूँगा कि सारा कवर कर पाऊँ इफ पॉसिबल. ठीक है, चलिए देखते हैं. पहला फर्स्ट वर्ड इज एप्ट, रोकथाम करना, मतलब किसी चीज की रोकथाम करना या रोकना, स्टॉप करने के सेंस में एप्ट का प्रयोग किया जाता है. मॉडरेट, इसकी सिनोनिम्स क्या है, मॉडरेट और डिक्रीज. एंटोनिम क्या है, एग्रीवेट करना, सुप्लीमेंट करना, मतलब बढ़ा देना. ठीक है, अगला देखते हैं अदम. ये एब्जेक्ट है, एब्जेक्ट का मतलब होता है मीन थिंग्स, कोई तुच्छ या फिर खराब चीज. ठीक है, जैसे देखो डिस्पिकेबल या सेरिवल. कम, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई बैड बिहेवियर को भी आप ले सकते हैं. एब्जेक्ट का मतलब होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एब्जेक्ट है, मीन्स वेरी मीन बिहेवियर या बैड बिहेवियर यू कैन से. उसका अपोजिट क्या होगा, कमेंडेबल, अप्रिसिएबल, ऐसी कोई चीज़ उसको आप अप्रिसिएट करें. जैसे ने कोई काम किया उसको कमेंड करें, अप्रिसिएट करें, ये प्रेजवर्थी. नेक्स्ट देखिए त्यागना. त्यागना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्ज्यूर करना, छोड़ देना. किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो या अपना हक छोड़ रहे हो तो यू आर गोइंग टू एब्ज्यूर दैट. इसका सिनोनिम होगा फॉरसेक या रिनाउन. रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी छोड़ना, फॉरसेक का मतलब भी छोड़ देना या गिव अप. बट इसका अपोजिट क्या होगा, अप्रूव करना, सेंसर करना, अलाउ कर देना. निष्फल, एबॉर्टिव, एबॉर्शन से रिलेटेड है, एबॉर्टिव एडजेक्टिव है ये. निष्फल फेल हो जाना या कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई मिशन पे कोई आर्मी जाती है और सडनली मिशन को छोड़ना पड़ता है, नहीं एग्जीक्यूट कर पाते तो क्या कहते हैं, दे आर गोइंग टू एबॉर्ट द मिशन. एबॉर्ट का मतलब छोड़ देना, वहीं पे स्टॉप कर देना, रोक देना. एबॉर्ट से ही एबॉर्शन शब्द बना हुआ है. वेन, अनप्रोडक्टिव. एबॉर्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई रिजल्ट न दे, अनप्रोडक्टिव, और इसका अपोजिट क्या होगा, प्रोडक्टिव. दोष मुक्त, एब्सॉल्व, फ्री कर देना. एब्सॉल्व का मतलब दोष मुक्त, फ्री कर देना किसी ब्लेम से, पार्डन या फॉरगिव, माफ़ कर देना, उसका सिनोनिम. इसका अपोजिट क्या होगा, एक्यूज कर देना. किसी को आप एक्यूज करोगे तो मतलब उसको ब्लेम कर रहे हो. कंपेल करना, फोर्स करना. अगला देखिए सहमति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एकॉर्ड, किसी एग्रीमेंट, एकॉर्ड. एकॉर्ड का मतलब सहमति होता है, एग्रीमेंट. सिनोनिम से हारमनी भी वही एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है. हारमनी का मतलब सिमिलरिटी होता है. इसका अपोजिट क्या होगा, डिसएग्रीमेंट और डिसऑर्डर, डिस्कॉर्ड. एकॉर्ड का डिस्कॉर्ड मतलब एग्री नहीं होना. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखिए एक्रीमनी. एक्रीमनी का मतलब मिस बिहेवियर, रूखापन, मिस बिहेवियर. सपोज करो एनी बडी रिपीट और यू आर बिहेव एट, कोई रो रहा है और तुम हंस रहे हो एट दैट मोमेंट, ये कैसा बिहेवियर, दिस इज एक्रीमनी. यू आर नॉट सोइंग सिंपैथी विद दैट, कोई तकलीफ में है आप उसको हेल्प करने के लिए आप हंस रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहा है, तो दिस वॉट टाइप ऑफ बिहेवियर, ये एक्रीमनी में आएगा. हार्शनेस और बिटरनेस. कटसी, गुड बिहेवियर. बिहेवियरेंस मतलब काइंड हार्टेड या सिंपैथी रखने वाला है. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. अगला देखें अटल, एडमेंट. एडमेंट अटल का मतलब, एडमेंट का मतलब जो अपनी बात से, अपनी किसी काम से, अपने प्रॉमिस से हटे नहीं, उसको एडमेंट बोलते हैं. इसका सिमिलियर वर्ड है स्टबन और इनफ्लेक्सिबल. अब स्टबन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, स्टबन का मतलब जिद्दी होता है. कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि आप उनको बोलेंगे यहाँ ये काम करिए, वो करेंगे नहीं, वही जो करना है उनको, तो स्टबन टाइप बच्चे होते हैं लोग, या एडमेंट भी कह सकते हो. इनफ्लेक्सिबल, इसको फ्लैक्सीबल का अपोजिट है इनफ्लेक्सिबल. ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, फ्लैक्सीबल या सॉफ्ट. अगला देखिए पक्षपात, एडहेरेंट, किसी के फेवर में कपात करना या बोलना, एडहेरेंट. और फॉलोअर या डिसाइपल, अपोजिट क्या होगा, राइवल, एडवर्सरी, राइवल ऑफ एडवर्सरी. नेक्स्ट देखिए सहायक,
एडजेंट, सहायक, ज्वाइंट या एडेड, और सेपरेट डिटैच कर देना या सब्सट्रैक्ट करना। एडमोनाइज का मतलब होता है थ्रेटन करना किसी को, थ्रेटन करना, धिक्कारना, एडमोनाइज। काउंसल, एडमोनाइज का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना या किसी को किसी गलती को उसको कुछ टांट करना, कुछ बुरा वाला कहना, एडमोनाइज। काउंसल या रिप्रूव, गलत ठहराना किसी को, और अप्रूव और अपलोड करना, प्रशंसा करना। ठीक है, विपत्ति, एडवर्सिटी, विपत्ति इंग्लिश में इसका एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून या कैलामिटी, इसका मतलब भी विपत्ति ही होता है, एडवर्सिटी होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी या फॉर्च्यून, अच्छी चीज़, अच्छी घटना, प्रॉस्पेरिटी। एलियन, विदेशी, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका सिमिलर क्या होगा, फॉरनर या आउटसाइडर, और अपोजिट क्या होगा, नेटिव या रेसिडेंट, जैसे आपके लिए दूसरे कंट्री वाले एलियन, दूसरे प्लान के लोग आपके लिए एलियन, विदेशी। एली, निराकरण, निराकरण करना, स्पेसिफाई करना, शोध करना। एलाई का मतलब होता है ये, इसका मतलब किसी को शांत करना, जैसे सपोज एनी बडी लिविंग, तो यू आर स्पेसिफाइंग हिम, सोदिंग हिम, काम डाउन आप उसको कर रहे हैं। एग्रीवेट करना, एक्साइट करना, कोई शांत बैठा है आपने उसको कुछ ऐसा बोला कि वो एक्साइट हो गया या गुस्सा हो गया, तो इसका अपोजिट होगा एग्रीवेट करना या एक्साइट करना। नेक्स्ट देखिए, एलिवेट, एलिवेट का मतलब उठाना, सॉरी एलिवेट का मतलब एलिवेट है, एक एलिवेशन होता है ना, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, एक्ट करना या रिलीव करना, और एग्रीवेट या एनहांस का मतलब बढ़ा देना। फुसलाना, एलयू, कॉक्स करना, ई डबल एल यू आर, एलयू का मतलब फुसलाना होता है, जैसे आप किसी को किसी काम के लिए डांटते हैं अपने छोटे भाई को, या कभी कभी अपने मॉम डैड को भी किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, फुसलाते हैं, एलयू करते हैं, दैट इज एलयू। इंचिच करना या फैसिनेट करना, या एक और वर्ड है कॉक्स करना, सी ओ ए एक्स, कॉक्स का मतलब किसी को फुसलाना है, बैठाना। अपोजिट क्या होगा इसका, रिपल्स या रिपेल, मना कर देना या विरोध करना। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देना, एम्पलीफाई से ही एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर हमारे म्यूजिक सिस्टम में होता है, व्हाट इट डज, इट जस्ट एनहांस द साउंड, तो एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना। इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, सिमिलर है, इसका अपोजिट होगा लेस करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, या कॉन्ट्रैक्ट करना, कम कर देना, सप्रेस करना, बिल्ड करना। एंटीपैथी, किसी को डिसलाइक करना, हेट करना, एंटीपैथी घृणा, ठीक, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एवर्जन, एक हॉस्टिलिटी और एवर्जन, ये दोनों इसके समानार्थी शब्द हैं, सिमिलर मीनिंग दे आर हैविंग एंटीपैथी, और इसका अपोजिट क्या होगा, किसी को एडमिरेशन करना और फैसिनेशन करना, ठीक है, इज अपोजिट। एपथी, वही उदासीनता, नेगेटिवनेस, किसी डो नॉट हैविंग सिंपैथी विथ एनीवन, दैट्स कॉल्ड एपथी। अनकंसर्न, इनडिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल एपथी का यूज करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल समवन इज इंजर्ड, यू आर नॉट शोइंग लिटिल सिंपैथी, कोई गिरा हुआ है, रो रहा है, पैर में चोट लग गई है और आप चुपचाप देख रहे हैं, यू आर नॉट हैविंग सिंपैथी फॉर दैट, यू आर सीइंग और आप वहाँ से चले जाते हैं, तो यू आर, दिस इज नॉट सिंपैथी, दिस इज एपथी, यू आर सो एपथी, अब इसके बारे में कंसर्न नहीं है, और इसका अपोजिट क्या होगा, एपथी का, कंसर्न करना या केयर करना। कलंक लगाना, एरिगन, एरिगन का मतलब होता है किसी को ब्लेम लगाना, एक्यूज करना, चार्ज लगाना, इसका दूसरा क्या होगा, पार्डन, माफ़ कर देना, या एक्सप्लेट करना। अगला देखिए, पार्डिसिटी का मतलब घृणा, डिसलाइक, बोल्डनेस, एरोजेंस, इसका अपोजिट क्या होगा, माइल्डनेस एंड कावर्डस। नेक्स्ट देखिए, एथेनेटिक का मतलब होता है, एथेनेटिक का मतलब होता है रियल, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, जेन्युइन, रिलेबल, सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम से, अपोजिट होगा फिक्स, फिक्सियस और अनरियल, मतलब फिक्शन से रिलेटेड है, जो रियल मार्जरी। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीम, भत्ता, क्लम्सी, रफ, और क्लेवर और एप्ट का मतलब होता है साफ सुथरा सब। एक्समा, स्वयं सिद्ध, एक काइंड ऑफ फार्मूला, एक्समा क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ फार्मूला जो उसी नेट बाई या सर्टेन पर्सन, ठीक है, उसी से बना है मैक्स, ठीक है, उसी से बना है मैक्समा या तो एब्सर्डिटी या ब्लंडर, उसका अपोजिट होगा बैफल का मतलब चकरा जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड या कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूज हो जाना, अपोजिट होगा कंपोज या फैसिलिटेट हो जाना। ओके, बारबरस, बारबरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, लाइक एनिमल, जंगली, बारबरस, अनसिविलाइज्ड, सेवाज, और उसका अपोजिट होगा कल्चर, मैनर्ड, गुड मैनर। बेनिवोलेंस का मतलब होता है कृपा,
बेनिवोलेंस काइंड हार्ट है, ह्यूमैनिटी जेनेसिटी, ठीक है, जो दिखा है उसको बेनिवोलेंस बोलेंगे। मैलिवोलेंस का मतलब बैड बिहेवियर या सॉरी इनह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें काइंडनेस ना हो वो मैलिवोलेंस होगा, ठीक है। बी विचिंग मतलब मोहित करने वाला, बी विचिंग, और विच का मतलब तो चुड़ैल होता है, बी विचिंग का मतलब किसी को अट्रैक्ट कर देना, मैजिकल या फैसिनेटिंग, ये जो विच डब्ल्यू आई टी सी विच का मतलब चुड़ैल होता है, फीमेल विच। बी विचिंग का मतलब किसी को अट्रैक्ट कर देना विद द वाई ऑफ स्पेल राइटर्स पावर ऑफ स्पेल या मैजिक, मैजिकल फैसिनेटिंग। या उसका अपोजिट क्या होगा, रिपल्सिव करना, रिल पंजन, रिम लगा देना, रिजेक्ट कर देना। अगला देखिए ब्रिटिल नाजुक, बहुत ही कोई चीज जो सॉफ्ट है इजीली ब्रेक हो जाए वो ब्रिटिल रह जाएगा, ब्रिटिल, जैसे आइस क्या है ब्रिटिल, ठीक है, लेड क्या है जो कांच शीशा होता है वो ब्रिटिल, ब्रिटिल। तो डेंगेट या फ्रगाइल जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, नाजुक, टफ और इंड्यूरिंग, जो लंबा समय तक चलता है उसको इंड्यूरिंग होता है। बस्टल का मतलब हलचल, मूवमेंट, क्राउड, हैस्ट, फरी और स्लोनेस और क्वाइटिस का अपोजिट होगा। क्लाइमेटी मतलब होता है डिजास्टर, आपदा, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, जैसे कोरोना अभी आया, क्लाइमेटी ही है, डिजास्टर है, पैंडेमिक उसको माना गया है, एक ऐसी घटना जो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाए, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, वो क्लाइमेटी कहलाती है, ठीक है। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून और हैप्पीनेस और फॉर्चून का अपोजिट। कठोर, कैलस मतलब जो हार्ड है, ऑब्ड्यूर, अनफुलिंग या कंपेंसेट एंड टेंडर। कैलस का मतलब होता है कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना घट गई, लेकिन वो इतने हार्ड होते हैं कि वो दी नेवर बीट्स, दे आर वेरी हार्ड, तो कैलस टाइप ऑफ बिहेवियर, दे आर हैवी पर्सन, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, कंपेंसेट और टेंडर, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं या कभी समझ बुकिंग दे स्टार्ट में, क्योंकि दे आर टेंडर हार्ड, उनका हार्ट क्या था, या टेंडर हार्टेड भी। चुगली और एक्रिमिनी मतलब चुगली करना, बैक बैटिंग करना, ठीक है, डिफेमेशन करना या एस्पिरेशन करना, ठीक है, कमेंडेशन और प्रेज करना, किसी की कोई निगेटिव चीज़ें आप बात कर रहे हैं तो यू आर जस्ट डूइंग बैक बैटिंग, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिकमेंडेशन का मतलब किसी को अप्रिसिएट करना, प्रेज करना। सक्षम, कैपेबल, एलिजिबल, कॉम्पिटेंट और एबल, इन तीनों का मतलब सेम है, सक्षम होना, एलिजिबल होना, फिट होना किसी चीज़ के लिए, इनकॉम्पिटेंट और इनेक्ट, फिट नहीं होना। कैप्टिवेट का मतलब होता है कैप्चर हो जाना, कहीं बंद हो जाना, जैसे प्रिजनर, प्रिजनर, प्रिजनर जो क्रिमिनल होते हैं उनको कैप्टिवेट करा किया जाता है, लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है। फैसिनेट और डिसइल्यूजन एंड अफ्रॉड, इसका अपोजिट होगा कैप्टिविटी, ये कैद, जेल, प्रिजन से है, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट और फ्रीडम और लिबर्टी। अगला देखते हैं कैविटी, कैविटी मीन्स होल, जैसे डेप्थ, डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल जो माउंटेन हिल होता है, वैलीज होती है, उसमें कैविटी होती है, आपके दांत में भी कभी कभी कैविटी हो जाती है, कुछ चीज़ें फंस जाती है, आपका दांत डैमेज हो जाता है, ठीक है। कैविटी मीन्स दिस, कैविटी मीन्स डेप्थ या डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब उठा हुआ प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट। सीज, संघर्ष, सीज का मतलब तो सीज का मतलब होता है स्टॉप, ये संघर्ष गलत है, सीज का मतलब होता है स्टॉप में गुजारना, टर्मिनेट करना, डिसिस्ट करना, इसका अपोजिट होगा बिगिन करना, स्टार्ट करना, तो सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। नेक्स्ट है चेस्ट, पवित्र, इसका वर्चुअस, प्योर होगा। सेकंड अपोजिट होगा लस्टफुल या फिर मैड, ठीक है। चेस्टिस, दंड देना, पनिश करना, एनालाइज करना, चिबियर और इंकरेज करना, इसका कॉम्पेंसेट, कॉम्पेसन मीन्स दया दिखाना, काइंडनेस दिखाना, काइंडनेस और सहमति दिखाना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट इज क्रुएल्टी या बर्बरिटी, अनसिविलाइज्ड। कंप्राइज, समावेशन करना, और कंप्राइज का मतलब इंक्लूड करना, टोटल इंक्लूड करना, कंटेन करना। रिजेक्ट करना, लैक करना, इसका अपोजिट हो जाएगा स्वीकार करना, कंसीड एंड परमिट, डिनाई, रिजेक्ट करना। कंक्लूड का मतलब मिलना, मिलजुल जाना, मिक्स हो जाना, अप्रूव, एग्री करना, डिफर, डिसएग्री करना, ठीक है, कंसेंट, सहमति, अप्रूवल, एग्री,
परमिट करना, ऑब्जेक्ट डिसएग्री करना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, इफेक्ट, आउटकम, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑरिजिन, स्टार्ट। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट समेकित करना, सॉलिडिफिकेशन स्ट्रेंथन करना, सेपरेट या वीकन करना, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब कुछ चीज़ों को मिला लेना एक साथ, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? सेपरेट कर देना, कमजोर कर देना, अटैच कर देना, वीक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्पिकस मीन्स विशिष्ट, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, इसका अपोजिट होगा हाइड का करना, अपमान करना, कंटेंट किसी को क्रिटिसाइज करना, स्कॉर्न करना, डिसरिगार्ड करना, और रिगार्ड करना इसका या प्रेज करना इसका सराहना। अगला है कॉन्ट्रोडिक्ट करना, मतलब किसी को खंडन करना, किसी बातों का विरोध करना, डिनाई और अप्रोच करना, और इसका एंटोनिम क्या होगा? अप्रूव करना या करना। लास्ट वर्ड है कंट्रेरी, मतलब विरोध, अपोजिट, डिसिमिलियर, कन्फ्लिक्ट, और इसका एंटोनिम होगा सिमिलियर एंड अलाइक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू इन टुडे वीडियो, ओनली दिस मच। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी नेक्स्ट पार्ट आई विल बी अपलोडिंग फर्दर। सो दैट्स ऑल इन टुडे। आई होप कि आपको द वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू, ये सारे एडवांस वर्ड हैं, अच्छे वर्ड हैं, आप उसको लर्न करें। ट्वेंटी यू शुड सी टू टाइम, अब इनकी दो बार देखिए, एक बार में सारे वर्ड सुना नहीं होते किसी को भी, आप उसको रिवाइज करेंगे तो एंड नॉट ओनली रिवाइज, को आप अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज करें, देन यू विल फाइंड दैट स्लोली स्लोली यू आर वेरी फ्रेंडली विथ दिस वर्ड, और ये वर्ड आपकी स्पोकन रिटन रिलेशन जनरली यूज होगा। तो दैट्स ऑल, सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।